नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कर्नाटक के हिजाब विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के खोड़ा इलाके का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें महिला पुलिस हिजाब पहने महिलाओं पर लाठी चार्ज कर रही है। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, महिला पुलिस सामने से आती हैं। पहले से महिलाएं वहां प्रदर्शन कर रही होती हैं, उन पर लाठीचार्ज होता है। अब इसको लेकर के इंदिरापुरम के सीईओ अभय कुमार मिश्रा हैं, उनकी सफाई आई है और उन्होंने कहा है कि धारा 144 लागू थी और ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस से धक्का मुक्की भी किए हैं, इस वजह से बल प्रयोग करना पड़ा है। अब इसमें बात ये आ रही है कि पुलिस ने अपनी तरफ से प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है। आरोपियों में से एक रईस नाम का शख्स है। खोड़ा इंस्पेक्टर ब्रजेश कुशवाहा के मुताबिक कि इस घटना से जुड़ा 30 सेकंड का जो वीडियो बुधवार को सामने आया, इसमें कुछ महिलाएं सड़क किनारे खड़े होकर प्रदर्शन कर रही हैं। पुलिसकर्मी उन पर लाठियां भाजते हुए नजर आ रहे हैं। महिला पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारियों के बीच हाथापाई का फुटेज भी मिला है। यह वीडियो पास की बिल्डिंग के छत पर खड़े शख्स के द्वारा मोबाइल से बनाया गया है, जो अब वायरल हो रहा है और ये वीडियो उसी प्रोटेस्ट का है। इस मामले का मुख्य आरोपी नजर मोहम्मद है, जो फरार है। वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से जुड़ा है। नजर मोहम्मद इस पार्टी में किस पद पे, अभी इस बात की जानकारी जुटाई जा रही है। उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। ओवैसी की पार्टी की काल बताकर महिलाओं को इकट्ठा किया गया था। महिलाओं को जुटाने की जिम्मेदारी मुस्कान पर थी। उन्हें बैनर, पोस्टर, अन्य सामान नजर मोहम्मद और राशिद ने मुहैया कराए थे। ये है इस वीडियो की हकीकत, जिसमें कि अब इंस्पेक्टर का भी बयान आ गया है और जिस CO के क्षेत्र में खोड़ा है उनका भी बयान आ गया है कि हाँ, ये वीडियो है और पुलिस की हाथापाई के बाद ही लाठी चार्ज हुआ था। सर, हिजाब को लेकर क्या मामला था? अभी विवेचना चल रही है। विवेचना के संबंध में जब जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उस संबंध में अवगत कराया जाएगा। सर, क्या कोई PFI को लेकर कोई करेक्शन मिला है क्या इनका? अभी तक विवेचना में ऐसे कोई तथ्य आए नहीं है। जैसा मैंने पहले ही बताया कि विवेचनात्मक कार्रवाई चल रही है, जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उस संबंध में आपको। सर, क्या ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट था ये या फिर कैसे, कहां पे आए लोग, कोई सर्कुलेट हुआ मैसेज? इस पे लगातार पुलिस टीम जो है हमारी, इन्वेस्टिगेशन टीम काम कर रही है। इस संबंध में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे वो अवगत कराया जाएगा। सर, कोई अरेस्टिंग इस केस में अभी तक? ना, अभी तक कोई अरेस्टिंग नहीं हुई इसमें। और सर, एक शख्स का नाम भी है FIR में, रईस, वो फरार है सर? जो भी है इसमें और जो लोग उस प्रदर्शन में शामिल थे उनसे बातचीत, उनको शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है और शिनाख्त के बाद उनपे जो विधिक सुसंगत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। चलो ठीक, तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।